सर क्या हुआ? Yes, got the address, sir. Give me the address. Building number 11, near City Mall, OMR. अरे तुझे फोन किया तो तू फोन नहीं उठा रही है, तुझे फोन किया तो नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या कह रहे, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा, दिस गेम इज क्राइम, डू यू वांट द पार्ट ऑफ दिस किलिंग? छोड़ो इसे खेलना। नो व्हाट आई एम डूइंग। पापा, इस वीडियो में जो लड़की है उसकी जगह मैं होती तो क्या आप उसे छोड़ देते? पापा, जस्ट वन ऑनेस्ट आंसर डैडी। अपू, अपू बेटी रुको, हमारी बात तो सुनो। तुम्हारे इंक्रिप्शन को हमने डिकोड कर लिया है। सिक्योरिटी को लॉगिन करके क्या तुम्हारे गेम को 10 मिनट के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते? तुमने इतना ब्रिलियंट प्लान बनाया तो 10 मिनट का लूप होल नहीं देना चाहिए था। ऑपरेशन इज अ सक्सेस बट पेशेंट इज डेड। शिट, इस सिस्टम को भी हैक कर लिया गया है सर। सर यहां से किसी को हिलने मत दीजिए सर। ध्यान रहे कोई भी उस बॉक्स के पास ना जाने पाए। दीपक, 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 दीपक। सर मैं भी यहाँ हूँ। सर दीपक, सर दीपक, सर सर अरे जल्दी अंदर आओ। सर दीपक, सर दीपक, सर चालू क्या यह समझ कीजिए। मार दिया, मार दिया। उसने जैसे कहा था वैसे ही मारा। अब सिर्फ मैं बचा हूं, वो मुझे भी मार डालेगा। बेटा, शट, डोंट टच मी, जस्ट डू समथिंग। हेलो, वो पुलिस कस्टडी में रहते हुए सबको कैसे मार रहा है और तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हो? उसका क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके ऊपर लगे केस को क्लियर करो और बाहर भेजो, बाकी मैं देख लूंगा। तेरी बात सुनने या तेरा हुक्म मानने के लिए मैं कोई तेरा गुलाम नहीं हूं। हेलो कमिश्नर साहब, आप लोग कभी सुधरेंगे नहीं, है ना? एक तो आप लोगों के पास एविडेंस नहीं है और आपने उसे अरेस्ट कर लिया, और अब इसे सलाखों के पीछे डालने के बाद आप लोग एविडेंस जुटाने में लगे हुए हैं। जाइए, कोर्ट का वक्त बर्बाद मत कीजिए। नमस्ते सर। जय श्री सर। पेरुमल सर, जरा सुभाष को फोन दो, बात करो। बोलिए। अगर हमारे हाथ कोई एविडेंस नहीं है तो इसका मतलब है तुम बच गए। ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। तुम्हें जेल और कोर्ट से इसलिए परे कराया है क्योंकि वो लोग तुम्हें कोर्ट के बाहर मारना चाहते। I suggest just be careful. मदद के लिए धन्यवाद, बाकी मैं संभाल लूंगा। आप जाइए सर। सुभाष, आप जाइए। सर
तू गया काम से, अब ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता तुझे। ऊपर वाले की तो पता नहीं, लेकिन अभिजीत ने बचा लिया मुझे। समझ में नहीं आया, तुम्हारे लड़कों ने जिन लड़कियों का रेप किया था उनके वीडियो मैंने ऑटोमेटिकली शेड्यूल करवा के क्लाउड में सेव किया था। अगर एक घंटे में रोका नहीं गया तो वीडियोस लीक हो जाएंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटे का वक्त है। तुम तो जानते हो मीडिया क्या कर सकती है। इतने सालों में जो पैसा और इज्जत कमाई है वो एक ही पल में खलास। डैड, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास वीडियो होने की कोई चांस ही नहीं है। क्या यार, मैं इतना सब कर सकता हूँ तो ये नहीं कर सकता? तेरा जो दोस्त है ना दीपक, जो मारा गया, मैंने उसी के नंबर पे सब कुछ सेट करके और सेव करके रख दिया है। तू चाहे तो तुझे दिखा देता हूँ। जरा अपना फोन देना। टाइम नहीं है, अगर मैं खुद जाकर उसे मैन्युअली रोकूंगा तभी रुक पाएगा। तू इतने दिनों तक पुलिस कस्टडी में था और तुझे कस्टडी से रिहा करने के लिए मैंने कहा था। तू कह रहा है कि वो वीडियो एक घंटे में वायरल हो जाएगा। अगर तू वो लीक भी कर देगा ना तो भी कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट, मैं अभी तक पुलिस कस्टडी में ही था, पर तुमने खुद मुझे रिहा करवाया और खुद अपना फोन देकर मुझे ये एक्टिवेट करने का मौका दिया। डैड, इसे यहीं पे खत्म कर देते हैं। ए, बड़ों के बीच में क्यों बात कर रहा है? अच्छे मैनर्स नहीं है। अब उस वीडियो की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होगी हम खुद फेस कर लेंगे, लेकिन तुझे यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। ए! ये क्या कर रहे हो? क्या दोस्ती है? अभिजीत, गेट द कार। व्हाट इज दिस? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अपने बिजनेस एम्पायर और अपनी रेपुटेशन को 5 मिनट के वीडियो के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो वीडियो हाथ लगेगी हम उसे मार देंगे, और तब तक तुम उसे कुछ नहीं करोगे। समझ गए तुम? Fast, fast. इस वक्त की खास खबर, पार्वती रेप केस से जुड़े रेपिस्ट के और वीडियो सामने आ रहे हैं। ये वीडियो बनाने वाला शख्स एक अजनबी है। जल्दी वो वीडियो डिलीट कर। अपने नंबर से जल्दी। बोल कौन इसे? अरे चिल्ला क्यों रहा है यार? अब तक लाखों लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड कर लिया है। पुलिस उस आदमी की खोज में लगी हुई है जिसने ये वीडियो बनाया है। अभिजीत, अभिजीत, कहाँ हो तुम? अभिजीत, ओए, अभिजीत
डैड डैड मुझे बचाओ डैड 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 मुझे बचाओ डैड 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 मुझे बचाओ डैड डैड मुझे बचाओ तूने कहा था ना कि तुझे बिजनेस में शोहरत कमाने में 30-35 साल लग गए, लेकिन अब उस बिजनेस और शोहरत को बचाने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं तेरे पास। तुझे तेरे बेटे की जान प्यारी है या सोसाइटी में तेरी इज्जत प्यारी है, ये फैसला तुझे ही करना है। समझ गया ना तू? कहा रहा है सर रोक? ये सब मेरा काम नहीं है, लेकिन तू चाहे तो रोक सकता है। इस बटन को प्रेस करेगा तो रुक जाएगा। आजा। डैड 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 मुझे बचाओ। डैड डैड मुझे बचाओ। डैड डैड मुझे बचाओ। आखिरी बार तुझे एक अच्छा बाप बनने का मौका दिया था, वो भी मिस कर दिया। लेकिन तेरी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, अपने बेटे की परवरिश तो सोच समझ के की थी और उसे मारा भी सोच समझ के। आपको बता दें कि चेन्नई के रेप केस में जो 4 लोग आरोपी थे उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस सब के पीछे आखिर किसका हाथ है। सर कंप्लेन किए हुए अभी 5 दिन भी नहीं हुए और इनके टुकड़े टुकड़े करके इन्हें यहाँ फेंक दिया गया है। सर आपकी पोस्टिंग हुए इस एरिया में अभी 2 दिन ही हुए हैं। इस दौरान 4 लोग गायब हो गए हैं और कुछ लोगों की हत्या हो चुकी है। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? सर कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। ये सुनते सुनते कितने खून होते जा रहे हैं सर। कहना चाहेंगे सर?
कानून अपना काम करेगा।